हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने टेस्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे टेस्ट 5 में 4 टेस्ट हमारे एंशिएंट इंडिया के ख़त्म हो लिए हैं और एक टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 5 मिडाइवल हिस्ट्री का ख़त्म हो चुका है। टोटल मिलाकर हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 4 हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और 1 मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 6 होगा, जो कि मध्य मिडाइवल हिस्ट्री का होगा, यानी मध्यकालीन भारत का। जो भी नए छात्र छात्राएं पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनसे आग्रह है वो सबसे पहले सिरी एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का। हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। गलत विकल्प का चुनाव करना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से 1 गलत विकल्प है, उसका हमें चुनाव करना है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने असर उस संदीद की रचना की थी। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर किसने? सर सैयद अहमद खान ने असर उस संदीद की रचना की। ऑप्शन बी, मध्यकालीन भारत के पहले और एकमात्र, ये कौन से टाइम के? मध्यकालीन भारत के पहले और एकमात्र हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, यानी कोष्ट में हेमू भी होगा, जिन्होंने 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था, ये सत्य है। ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश से अंतिम सुल्तान था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था और लोदी वंश का भी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, दिल्ली पर शासन करने वाले 5 राजवंशों में से खिलजी वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, ये हमारा विकल्प गलत है और रॉन्ग ऑप्शन ही क्वेश्चन में डिमांड थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 5 राजवंशों में से खिलजी वंश, जबकि खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश था। सबसे पहले कौन सा था ये देखेंगे, और उसके पश्चात कौन सा था, तो सबसे लंबे समय तक जो शासन किया था वो किया था तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक शासन किया था। फिर उसके पश्चात किया था किसने? उसके पश्चात किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो स्थापित किया था ना उसने, कुतुबुद्दीन ने कौन सा? गुलाम वंश स्थापित किया था। तो पहले नंबर पर तुगलक वंश हो गया, जिसने लंबे समय तक शासन किया, दूसरे नंबर पर गुलाम वंश हो गया, और सबसे छोटा जो वंश था वो था खिलजी वंश, ठीक है, 30 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन डी हो गया इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, गलत विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद था, जो सैयद वंश का भी अंतिम सुल्तान था। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद सैयद वंश का अंतिम सुल्तान नहीं था, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, ये तुर्की सुल्तान की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, मोहम्मद नहीं महमूद है, तो सही है, परंतु ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान नहीं था। तो किस वंश का था? ये तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान भी था, जबकि अंतिम तुर्की सुल्तान भी था दिल्ली सल्तनत के अंदर, कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी, हमें रॉन्ग विकल्प ही का चुनाव करना है, तो हमारा जो रॉन्ग विकल्प होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह शहर की स्थापना की, ये करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा था, उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था, ये भी करेक्ट ऑप्शन है।
ऑप्शन डी सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया था, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए होगा, ना कि डी। क्या होगा ये आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पर चेंज कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद है वो सैयद वंश का ना होकर तुगलक वंश का है, और अंतिम तुर्की सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का भी, और अंतिम सुल्तान है तुगलक वंश का भी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, नेपाल हर्ष के समय एक मध्यवर्ती राज्य था। आशुवर्मन ने नेपाल में ठाकुरी राजवंश की स्थापना की, ये ऑप्शन करेक्ट है यानी कि सही है। ऑप्शन बी, 740 ईस्वी के आसपास ललितादित्य ने कश्मीर के राजा यशोवर्मन को भी हराया। इसके अलावा कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर यानी सूर्यदेव को के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर है ये मार्तंड मंदिर, भूतेश के शिव मंदिर, परिहास केशव के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। दुर्बन जो ऑप्शन सी है दुर्लभवर्धन, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। दुर्लभवर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में कारकोट वंश की, कौन से राजवंश की, कारकोट राजवंश की स्थापना की थी जो कि हिंदू राजवंश था। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी, किसने, हेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी उसके शासनकाल में। दुर्लभवर्धन के उत्तराधिकारी प्रतापदित्य ने प्रतापपुर की नींव रखी थी, किसकी, प्रतापदित्य ने, जो दुर्लभवर्धन का उत्तराधिकारी था उसने प्रतापपुर की नींव रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चार, गलत विकल्प का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है, अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशीय शासक विजयादित्य तथा पल्लव शासक नरसिंहवर्मनदित्य का शासन था, ये करेक्ट आंसर है। जब अरबों का आक्रमण भारत पर, प्राचीन भारत में भारत पर हुआ था, उस समय चालुक्य वंशीय शासक विजयादित्य और पल्लव शासक, चालुक्य वंश का शासक कौन था, विजयादित्य, और पल्लव वंश का शासक कौन था, नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासन था, करेक्ट है। ऑप्शन बी, बंगाल में पाल वंश का राज्य था, बंगाल के अंदर पाल वंश का राज्य था जिसकी स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हुए, गोपाल, कब किया, 750 ईस्वी, क्लियर। ऑप्शन सी, हर्ष का समकालीन चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था, ये भी करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी विकल्प सही हैं। और इसमें पूछा था कि गलत विकल्प का चुनाव करें, तो इसमें कोई भी गलत विकल्प ना है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पांच, गलत विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है, अकबर को अपने पिता हुमायूं की मृत्यु का समाचार 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कलानौर नामक स्थान पर मिला था, जहां बेरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था, करेक्ट है, ये सेकंड है ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, करेक्ट है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि गलत विकल्प का चुनाव करना है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में दोनों के दोनों, एक और दो, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा डी आंसर, इनमें से कोई भी गलत आंसर नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये 7 ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और हमारे जो टेस्ट होते हैं वे होते हैं टोटल टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में 15 क्वेश्चन लगाने के लिए दिए जाते हैं। 15 क्वेश्चन हम प्रत्येक टेस्ट में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 7, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, इस्लाम के अनुयायियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने का करने वाले अरब थे। इस्लाम के अनुयायियों में भारत में प्रवेश करने वाले पहले वाले अरब थे। करेक्ट है। ऑप्शन बी, अरब पहले व्यापारी के रूप में मालाबार तट पर आए। उन्होंने यहाँ की महिलाओं से विवाह किया और परिणाम स्वरूप पैदा हुए बच्चों को मोपला कहा गया। ये भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, 878 ईस्वी के शिलालेख में उत्कीर्ण है कि मदुरै के राजा ने अरबों को आश्रय प्रदान किया। यहाँ यह कोरोमंडल तट पर अरब बस्ती का सबसे पहला उल्लेख है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 878 न होकर 875 ईस्वी है। क्या है? 875 ईस्वी है। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर और यही क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? केरल के अंतिम पेरुमल शासक चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म का अपना लिया और उनका नाम अब्दुल रहीम शामरी सामरी रखा गया। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो गया, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, डेट में चेंज कर रखा है, डेट में मिस प्रिंट वो चेंज कर रखा है, 878 कर रखा है, जबकि ये 875 ईस्वी था। कि 875 ईस्वी के एक शिलालेख में उत्कीर्ण है कि मदुरै के राजा ने अरबों को आश्रय दिया था। यह कोरोमंडल तट पर अरब बस्ती का सबसे पहला उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बंबई के थाना पर हुआ, जो कि असफल रहा था। ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर है कि अरबों का पहला आक्रमण अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बंबई के थाना पर हुआ, जो कि असफल रहा पूर्णतः। ऑप्शन बी, 1300 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने तारीके सिंध की रचना मुगल शासक अकबर के दरबार में की थी। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, मुगल शासक अकबर 1300 ईस्वी में था या फिर 16वीं सदी में था, यानी कि 1500 के टाइम में, 1500 प्लस में, है ना, 1556 के पश्चात। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज गलत विकल्प चुनना है और ये क्वेश्चन ऑप्शन बी रॉन्ग विकल्प है। ठीक है, क्योंकि ये 1300 ना होकर चेंज कर रखा है, 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने तारीख ए सिंध की रचना मुगल शासक अकबर के दरबार में की थी। किसने? मीर मोहम्मद मासूम ने। इसकी रचना की थी तारीख ए सिंध की। ऑप्शन सी, भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्की को जाता है। ये भी करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी, अब्बासियों के बाद पश्चिम एवं मध्य एशिया में क्रम से सामानी राजवंश, गजनी राजवंश, सलजूक राजवंश एवं ख्वारिज्म राजवंश का उदय हुआ था। सामानी, गजनी, सलजूक, ख्वारिज्म इत्यादि राजवंश का उदय हुआ अब्बासियों के पश्चात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख अभियानों के संबंध में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। किसके? इल्तुतमिश के। तो रणथंभौर की विजय कब हुई थी? शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मंडावर पर विजय प्राप्त की, ग्वालियर की पुनः विजय प्राप्त की। तो इसमें जो हमारा रणथंभौर विजय है वो 1226 ईस्वी में हुई थी। शिवालिक पर पहाड़ियों पर में स्थित मंडावर पर विजय प्राप्त की 1227 ईस्वी में। ग्वालियर की विजय प्राप्त की थी 1232 ईस्वी में। तो 1, 2, 3। ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम में बामियान विजय प्राप्त की थी ये 1236 ईस्वी में। तो ये हो गया चौथा। तो 1, 2,
एवं चार। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए में रखा है 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन का हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद अब्दुल्ला इन अल मुकफ्फा ने कलीला व दिमनाह नाम से किया था। इसने अब्दुल्ला इन अल मुकफ्फा, इन्होंने कलीला व दिमनाह नाम से किया था। किसका? पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद। ऑप्शन सही है ये। ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के अनुसार प्राचीन काल में एक भारतीय खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, अरबों ने गढ़वालों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने का अलमाफूजा नगर बसाया था, ये गढ़वाल ना होकर के क्या था? प्रतिहार, प्रतिहारों के आक्रमण से, अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अलमाफूजा नगर बसाया था। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। महमूद गजनवी सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। कौन? महमूद गजनवी सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, अबू रेहान को प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी, अल बरूनी को विद्यासागर की उपाधि पल्लव शासकों द्वारा प्रदान की गई। पल्लव शासकों द्वारा, पल्लव कब थे और अल बरूनी कब थे, इन द टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अल बरूनी कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था, और पल्लव 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान थे। तो ये पल्लव शासकों ना होकर ब्राह्मणों द्वारा प्रदान की गई थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है गलत विकल्प का चुनाव करना है, तो ऑप्शन बी गलत विकल्प है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि अल बरूनी को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी भी देखेंगे, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद 1888 में एडवर्ड सचाउ ने तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया था। किसका? अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है अरबी में लिखी हुई? किताब उल हिंद। रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में किया था, एडवर्ड सचाउ ने अंग्रेजी में किया था। ऑप्शन डी भी देखेंगे एक बार, अल बरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद तहकीक हिंद पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण कहलाती है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, सही विकल्प का चुनाव करना है। एक तरफ शासक और एक तरफ उनका मूल नाम दिया हुआ है। बाबर का सिहाबुद्दीन, हुमायूं का महुद्दीन, महीउद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन। तो इसमें सही विकल्प है अकबर का जलालुद्दीन, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन में रखा है जहांगीर का सलीम, ये भी सही ऑप्शन है। तो 3 और 4 किसमें? केवल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 और 4, क्योंकि जहांगीर का सलीम और अकबर का जलालुद्दीन, जबकि सिहाबुद्दीन किसका है? सिहाबुद्दीन है शाहजहां का, शाहजहां का। और महीउद्दीन किसका है? औरंगजेब का। महीउद्दीन किसका है? औरंगजेब का। तो बाबर का क्या है? जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन। हुमायूं का क्या है? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आपको सही तरीके से, सही प्रिपरेशन सभी एंगल से करनी होगी, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, सही विकल्प का चयन करना है। अब एक तरफ
शासक और दूसरी तरफ उनका मकबरा कहाँ पर है। तो शाहजहां का मकबरा लाहौर में है क्या? नहीं। शेर शाह का मकबरा दौलताबाद में है क्या? नहीं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है क्या? सही। बाबर का मकबरा काबुल में है क्या? ये भी करेक्ट, यानी सही है, यानी ऑप्शन 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। जबकि शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये शाशाराम, शाशाराम बिहार में है, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा बता ही दिया है, दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल में है, क्लियर। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। लाहौर में किसका है? जहांगीर का मकबरा है। अकबर का कहां पर है? सिकंदरा, सिकंदरा में है, भारत के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये इसमें क्या आंसर हुआ? आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 3 और 4 देखने हैं किसमें है। अच्छा, अकबर का भी है ना सिकंदरा में, यानी 3, 4, 5 ऑप्शन किसमें? 3, 4, 5 है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल शासकों के क्रम की दृष्टि से अहमद शाह के बाद कौन सा शासक, मुगल शासक आया था? तो ऑप्शन ए में रफी उद्दरजात, ऑप्शन बी में रफी उद्दौला, ऑप्शन सी में मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी में आलमगीर द्वितीय। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज इसमें मुगल शासकों के औरंगजेब के पश्चात जो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य था उसमें शासकों का क्रम पूछा गया था। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जहांदार शाह, फिर उसके पश्चात फर्रुख सियर, उसके पश्चात रफी उद दर्जात, उसके बाद रफी उद दौला, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह के पश्चात आया था अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद आया था आलमगीर द्वितीय, क्योंकि आलमगीर फर्स्ट कौन था? ये था औरंगजेब, औरंगजेब का अन्य नाम क्या था? आलमगीर भी था, ये आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय के पश्चात आया था शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के पश्चात कौन आया था? अकबर शाह द्वितीय, और इसके पश्चात कौन आया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम शासक थे मुगल साम्राज्य के, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ मुगल मंत्रियां हैं और एक तरफ उनसे संबंधित विभाग हैं। तो ऑप्शन ए है बरीद ए मुमालिक, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी है, करेक्ट है। गलत विकल्प का चुनाव करना है हमें, ये सही है। दीवान ए खैरात दान विभाग है, ये भी करेक्ट है। दीवान ए बंदगान ये पेंशन विभाग नहीं है, ये क्या है? दास विभाग, ठीक है। और ऑप्शन बी चौथा, दीवान ए इश्तियाक ये दास विभाग ना होकर पेंशन विभाग है। एक्सचेंज कर दिया लास्ट के दो, तो केवल एक और दो राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओ सॉरी, गलत पूछा गया था ना, गलत विकल्प पूछा गया था। तो ऑप्शन 3 और 4 किसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए पहला है, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखने का प्रारंभ कब किया गया? इनका हमें सन पता होना चाहिए, तो ये हमारा 1587 में किया गया, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखने का प्रारंभ किया गया। सेकंड ऑप्शन है हमारा, बाबर के संस्मरणों का फारसी में बाबर नामा के रूप में अनुवाद 1589 में किया गया। अबुल फजल
ऑप्शन थ्री है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा स्टार्ट किया गया 1605 से 1622 के बीच में, सॉरी हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये 1500 कब किया गया, एक मिनट, ये किया गया 1589 से 1602 के बीच में, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर चर्चा, और गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा पर कब किया गया, 1587, और ये बाबर के स्मरणों द्वारा फारसी में बाबर नामा 1589 में, ठीक है। फिर ऑप्शन फोर, जहांगीर द्वारा जहांगीर नामा नामक, जहांगीर किसका है, जहांगीर द्वारा जहांगीर नामा, और अबुल फजल द्वारा अकबरनामा, और गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा। तो जहांगीर नामा नामक अपना संस्मरण कब लिखा गया, तो ये 1605 से 1622 ईस्वी तक। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे ही कालानुक्रम बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 किसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा है कि आपको आज का टेस्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी कमी खामी आपको दिखाई दे रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक वक्त अपना सुझाव जरूर दें, उसको हम सुधार करेंगे। और बने रहिए आप श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ, साथ ही अपने दोस्तों का जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट नंबर 7 के साथ, और मिडाइवल टेस्ट होगा अगला भी। तो बने रहिए आप श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।